जो कमाता है इनको देता हूँ, आप खुद पानी पी के जीता हूँ, झाड़ू मार के मैं खिलाता हूँ, इन्हीं के लिए, मेरा कोई नहीं, ना मम्मी ना डैडी। मैं सुनो देखता जो सेवा करता है, जब तक मैं देख रहा हूं सेवा ही करता जो कुछ है। तीह चालीस साल तो जब ही देख रहे हैं ना, बड़ी सेवा करता जी, कुत्ते ने 20-25 कुत्ते पाले हुए हैं। ये बताओ आप कब से ये जो डॉग है कुत्ते हैं, हाँ जी, की सेवा करते आ रहे हो, कैसे करते हो सेवा? बचपन से करता हूँ सर, जो कमाता हूँ इनको देता हूँ, आप खुद पानी पी के जीता हूँ, झाड़ू मार के मैं खिलाता हूँ, दोनों तरफ झाड़ू मारता हूँ। और मेरे डॉक्टर है सचदेवा नाम है, नो फेस में है, आप जाके पता कर सकते हो। कितने डॉगी है, कितने डॉगों का आप पेट पालते हो? 40। कहाँ पे रहते हैं वो? मैं रोड पे कालका प्लाई बोर्ड में, मेर से मेर का मेर बना हुआ है उस टाइम, उसकी दुकान पे रहता हूँ, अगर बिस्तरा भी रह जाता वो ऊपर रखा देता है, फेंकता नहीं हो। नारायण मंदिर में गया, फटा हुआ कपड़े कच्छा पा के निकर, तो मैंने कहा पंडित जी आप जरा प्रसाद चढ़ा दो, मंगलवार है आज, तेरे को सुना नहीं मैंने, हाथ देख रहा हूँ 10 दिन आने हुआ, मैं भी प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगा, मैं चढ़ा दो। इधर से प्रधान जी आ गए, उन्होंने बोल दिया कि प्रसाद चढ़ाओ, क्यों नहीं चढ़ाया इसका प्रसाद, ये गरीब है इसलिए ये प्रसाद। आप सुन लो, उसने ये बोला कि मैं मार दूंगा। मैं उस दिन से मंदिर में जाना बंद कर दिया, हनुमान जी को मानता हूँ, वही पैसे का मैं दूध पिला देता हूँ। आपका ये इनका प्यार कैसे बढ़ा इनके साथ, कुत्तों के साथ? बचपन से मेरी वही रही है, उन्होंने बोला इनको दूध पिलाओ, हनुमान जी ने दर्शन दिए, कहते इनको दूध पिलाओ, ये तुम्हारे सारे हैं। जो करते हो कितने कमाते हो, कितने के आप इनके ऊपर लगा देते हो? देखो ये 50 रुपये भी कमा लेता हूँ, 100 भी कमा लेता हूँ, 200 भी कमा लेता हूँ, आज अभी तक बोनी नहीं करी। नहीं, ये कमाई इनके लिए करते हो, किसके लिए? इन्हीं के लिए, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना मम्मी ना डैडी, इनके साथ ही, इनके अलग अलग बिस्तर भी लगा देता हूँ, तब भी इनकी मर्जी होगी तो रहेंगे अपने बिस्तरे पे। आज सुबह एक बाबू चप्पल दे गया था, वो उन्होंने, मैंने रेंज के नीचे रखी थी, फिर भी निकाल लेके तोड़ दी। कितने कुत्ते हैं, कैसे इनको आप मैनेज करते हो? इनके 9-10 बिस्तरे लगते हैं सर, और लोगों ने दे रखे हैं। कहाँ पे? ये कालका प्लाई बोर्ड, वो जो धोबी अलग जगह पे, हाँ बैठो वाला, इनकी मर्जी जहाँ मर्जी बैठे, बरसात आती है तभी बेचारे यहाँ बैठ जाते हैं। ये आप जब जाते हो क्या ये भी आपके साथ जाते हैं कई कई जब? नहीं सर, एक जाता था सिर्फ। अच्छा। वो मर चुका है सर। अच्छा, वो साथ जाता था? हाँ वो साथ जाता है, जहाँ भी मर्जी जाऊँ। अच्छा, वो सो तक गया है, सो से वापस आया पैदल। अच्छा, अभी साहब लाल प्यार, इतना प्यार आपके साथ हो गया। ये 83 नंबर है, 3083 नंबर कोठी, उनकी उनके साथ गया था। अच्छा। उनके उन्होंने दूध के पैसे दिए, ये इसी को दूध देना है, मुझे खुशी है दिल में। कितने कुत्ते हैं अब आपके पास, आपको कितनी आपका प्यार, इनका प्यार कैसे मिलता है आपको कुत्ते का? भाई प्यार तो ही बढ़िया मिलता है जी, मैं इनकी सुबह उठ के शक्ल देख लेता हूँ, मेरे को शांति हो जाती है, आत्मा शांति हो जाती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो फिर ये इसके कुत्ते जो को आसपास की कोई आपको तो तंग तो नहीं करते लोग? ये भौंकते हैं। नहीं नहीं, ये उठा देते एकदम, रिक्शे से हिल जाएंगे, अगर टोकरी में बालू चाहिए या बिस्कुट या क्या बोलते हैं दूध हुआ, मजा लेंगे, उठा लेंगे, अपनी छीन दे देंगे। हाँ, कि मेहनत से कमा के लाए हैं, तो आपकी रक्षा भी करते हैं ये, जगा देते हैं, बारिश आएगी तो जगा देंगे, मेंटेनेंस लगेगा, थप्पड़ मारेंगे मुंह पे लात से, आप देख लो जाके, वो भी को दिया हुआ है, दो कटोरे सामने पड़े, दो उधर पड़े हैं, एक वो घड़ा पड़ा और वहाँ सुराही पड़ी है आपकी, वो भी दी हुई है, मैं मोल नहीं लेके आया हूँ, दिया है आप जैसे ने, इनकी सेवा करो। खुद ये झाड़ू वाले जीते हुए वो अभी 1.5 किलो दूध दे के गए। ये बताओ सेवा कब से कितनी देर से करते आ रहे हो, आपके आपके परिवार में और कौन कौन है? जब से सर मैंने होश संभाला है ना, उसी टाइम से मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सोच रखा है कोई आए या ना आए, मैंने तो करना ही करना है।
परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं सर। क्यों, ये कुत्ते नहीं है? मम्मी डैडी नहीं, ये हैं सब कुछ। अगर ये ना होते तो मैं मरा होता। तब से आप इनके लिए कर रहे हो? मैं पिंगलवाड़ा में थे उस टाइम, मेरे पास नहीं थे। 56 में पिंगलवाड़ा, आप पता कर सकते हो जाके। ये बताओ, ये जो वहाँ भी सुन लो, मुझे लवारिस में पैदा किया गया। वहाँ लवारिस में नाम लिखा गया है, मेरा नाम लिखा हुआ है लवारिस में। 6 महीने रहा हूँ, 3 महीने के बाद मृत्यु घोषित कर दिया गया मुझे। 25 में लाए, उसके बाद भगवान की मर्जी, पानी गिरने लगे। ये बताओ हनुमान जी, ये बताओ जो जो आपके डॉग है, इनको किस तरीके से आप पालते हो? आप रिक्शा चला के इनका पानी, दूध पानी ले जाओ, कैसे इनको पालते हो? 40 देखो जी, एक तो वो झाड़ू वाले हैं, उनकी दुकान यहाँ पे है। वो 7-8 भाई हैं, ये 2600 नंबर है 6 उनका। आप अपना बताइए। नहीं नहीं, मैं उनको भी बता रहा हूँ। वो दूध देते हैं 1.5 किलो दूध, 2 पैकेट वहाँ से आते हैं पीले रंग के। और उसके बाद जो मैं कमाता हूँ, अब कल मेरे पास 20 रुपये बचे थे, 2 बालूशाही ले ली, 2 पैकेट 5 वाले बिस्कुट के ले लिए, बाकी झाड़ू मार के जैसे गंद पड़ा है इसको झाड़ू मार दूंगा, इधर कर दूंगा। जमादार तो सर आता नहीं इधर, मैं झाड़ू मार के। हनुमान सेवा, मैं शुरू देखता जी उन्हें सेवा करता है, जब तक मैं देख रहा हूँ यह सेवा ही करता जी कुत्तों की। हाँ जी, किन्ने कुत्ते हैं ये? कोई है 25-26 कुत्ते जी मेरे ख्याल। 40 नहीं, मैं तो अपने अंदाजे मैं कहने गिन रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ 25-26 कुत्ते से ज़्यादा ही हैं जो कोल। अच्छा, कुत्ते बहुत हैं जी जो कोल। मैं इन्हें जानता, मैं बहुत दिन से गुजारा करता। गुजारा है, कमांदा रिक्शे पे, कोई दे देता है, कोई 2 थैली देता दूध की, कोई एक देता, जो एक कमांदा है भी कुत्ते ने खुवादा अपना जी, बस इन्ना है जी। पर मैं इन जानता बहुत दिन तो जी, 85 में जानता इन्हू यहाँ से। इन्हें एक दफ़ा बीमार हो गया जी, फिर इसका इलाज होया, ये नंगा पड़ रहा सी ग्राउंड में, फिर ये ठीक हो गया, फिर भी कुत्ते की सेवा करता है। हाँ जी, रिक्शा चलाता शुरू थी जी। हाँ, सारे नाल रहते जी कुत्ते। ये रिक्शे पे बैठूंगा तो कुत्ते नाल होंगे जी सारे जी, जिन्हें भी सब नाल लग जाते हैं। कुत्ते खा भी जाते, कट भी जाते कई दफा जी, पर यह टीका नहीं लगवा कभी भी। ये रब की मेहर के उपर, पता नहीं क्या है, मतलब ये मैंने देखा भी वो नहीं है भी कुत्तों को सेवा करता जी, कुत्त की बहुत ही। ये दसो जी, आह हनुमान जरा है कुत्तों का नाल प्यार है, कितनी देर तो बैठा, कदों तो देखते आ रहे हो, कितना की सेवा करता है? बैठे 30-40 साल तो, जद ही देख रहे इन्हों, बड़ी सेवा करता जी कुत्तों की। 20-25 कुत्ते पाले हुए हैं, दुध पानी चाह पानी जोड़ा भी कोई सेवा करके जाता कुत्तों पा दिता। हाँ जी हाँ, सारी कुत्ते खवादा जी, कोई पैसा नहीं रखता है, ना कोई कपड़े लत्ता कोई भी, जो कपाण नू दे दूंगा तो पालूगा, नहीं अपने पैसों का कमा के कुछ नहीं खाता पीता, सब कुत्तों का जाता जी का। हाँ, बड़ी सेवा करता इन्हों की, बच्चों तो ज़्यादा पालता इन्हों, खाता पीता जो बचता वो अपने आप भी खा लेता है। हाँ जी हाँ, मतलब इनू कोई परहेज नहीं, कोई डर नहीं, भौ नहीं, भी बीमार होगा ना होगा, कोई इनू किसी चीज़ का भी डर नहीं। देखा जाए मौसम बदलता, गर्मी आती, मीह आता, रुत बदलती है, उदा कि सारा रखता जी, सारे बिस्तरे बुस्तरे रखे हुए हैं अपने थल्यों, कट के इन्होंने उपर सुट दिता, आप नंगा सो जूगा, इन्हों नहीं किसी गल की भी मतलब होता। हाँ जी, 20-25 साल सानू भी देखते हो गए इतने।